हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं हर बार की तरह आपके लिए फिर से ले आया हूं बना बनाया असाइनमेंट एकदम फ्री। तो देखिए गाइस, जो हमारा आज का असाइनमेंट है वो इंग्लिश ए ई सी सी का है। तो गाइस, ये वाला हमारा असाइनमेंट इंग्लिश ए ई सी सी का किन स्टूडेंट्स के लिए सफिशियंट है, तो हम समझते हैं, आइए किन स्टूडेंट्स के लिए सफिशियंट है। देखिए ऊपर लिखा भी है BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और BCom ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए सफिशियंट है। तो गाइज, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि मैं आपको बना बनाया असाइनमेंट इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ इंग्लिश AECC का। तो गाइज, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने EVS और हिंदी और इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट की असाइनमेंट वाली वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो अगर आपने अभी तक उन असाइनमेंट को नहीं बनाया और आपको बनाना है तो आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं और बड़ी ईजिली आप उन असाइनमेंट को बना सकते हैं। तो गाइज, उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं गाइज अपने असाइनमेंट की ओर। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपके डैशबोर्ड पे आ गया होगा ये क्वेश्चन पेपर और आप मैच भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से, ही क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर की ओर ले चलता हूँ। तो देखिए, हमारे जो आंसर क्या है उसकी शुरुआत हो गई, यानी कि जो हमारा असाइनमेंट है बना बनाया उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए आपको गाइज, हमारा जो असाइनमेंट है उसमें सारे रूल्स को फॉलो करा गया है जो सोल्स द्वारा हमें बताए गए थे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सारे रूल फॉलो कर रखे हैं हमने, तो आप एज इट इज सारे क्वेश्चन उतार सकते हैं ऐसी के ऐसी। बट गाइज, यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है बनाते समय, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो आपको जो पॉइंट्स लिखवा रखे हैं मैंने, ये सारे पॉइंट्स आगे पीछे करके लिख लेने हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना। आगे पीछे मैं करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज आपको जो दिक्कत ना हो, ताकि जब पेपर चेक करे टीचर, तो मोस्टली बच्चों का सेम नहीं होना चाहिए, तो टीचर को ऐसा ना लगे कि ये सारा आपस में मैच हुआ हुआ है, मतलब कि सेम डिक डॉक उतारा हुआ है। तो आप खुद समझदार हो, खुद सेंटेंस आगे पीछे कर सकते हो बीच में से, और कुछ नहीं। और बाकी तो गाइज आप खुद समझदार हो कि टीचर जो है वो कॉपी कैसे चेक करते हैं, उनका तरीका क्या है चेक करने का, ये इस दौर से आप बहुत अच्छे से गुजरे हुए हो। और गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो स्क्रॉल कर करके पूरा असाइनमेंट क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि गाइज मैं आपको इस असाइनमेंट की PDF प्रोवाइड नहीं कराने वाला, क्योंकि गाइज मैं आपको PDF प्रोवाइड कराता हूं तो आप वीडियो बिल्कुल भी वॉच नहीं करते और डायरेक्ट PDF पे जाके आप असाइनमेंट बना लेते हो। तो गाइज, मैंने आपके लिए असाइनमेंट की क्लियरेंस पूरी अच्छे से दे रखी है, तो आपको यहाँ से अच्छे से सब कुछ नज़र आ रहा होगा, सारी स्पेलिंग समझ में आ रही होंगी। और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आके आप हमसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपके आंसर ज़रूर देता हूँ, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, बट मैं आपके लिए टाइम ज़रूर निकालता हूँ, चाहे कहीं से भी निकालूँ। तो गाइज, आप समझिए कि मैं आपको PDF क्यों प्रोवाइड नहीं करा रहा, क्योंकि गाइज मेरी मेहनत लगी है इस चीज़ में, तो और आप ऐसे मेहनत बेकार कर देते हो मेरी डायरेक्ट PDF पे जाके, तो इसलिए गाइज मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से PDF मत मांग लीजिए, क्योंकि मैं आपको PDF नहीं प्रोवाइड करा सकता। आपको मैं इतने आराम आराम से इसलिए स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि गाइज आप आराम से वीडियो को रोक रोक के, यानी कि पॉज कर करके सब कुछ ऐसी का ऐसी उतार लो। अब गाइज, आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको फ्री में असाइनमेंट तो मिल गया, अब आपको थोड़ी राइट करने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत बनती है। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं चलेगी। तो आपको मेहनत करना सीखो गाइज, आप मेहनत करने वाले पर्सन हो तो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि गाइज मेहनत करने वाले ही हमेशा सक्सेस होते हैं। तो आप मेहनत करना सीखिए गाइज, आप इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हो, इससे ज़्यादा गाइज मैं और कुछ नहीं कह सकता आपको। तो देखिए, मैं आपके लिए बहुत आराम आराम से चला रहा हूं, मतलब कि स्क्रॉल कर रहा हूं, तो आप इसे पॉज कर करके आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि गाइज मैं वहाँ पे सबकी मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रखी है। तो गाइज आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा,
आपको अगर PDF भी चाहिए हो तो मैं एक दो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकता हूँ जिन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, बट गाइज मैं सबको नहीं प्रोवाइड करा सकता क्योंकि गाइज आप मेरी सिचुएशन समझ रहे हो, मेरे को गर्मी में वीडियो बनानी पड़ती है और आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी फ्री में, तो गाइज आप समझिए थोड़ा कि मेरे को भी थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए आपकी, जो आपके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कर रही है और पॉज कर करके बिल्कुल लिख लीजिए असाइनमेंट को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सारी स्पेलिंग सब समझ में आ रहा होगा। और गाइस मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप मेरे से कभी ये क्वेश्चन पूछने लगो कि सर आपने ये जो पेज है ये लाइनिंग वाले यूज़ क्यों नहीं करे, तो गाइस आपकी इच्छा है, सोल की ऐसे जो रूल थे उसमें लिखा था कि आपकी इच्छा है आप कोई से भी पेजेस यूज कर सकते हो, प्लेन भी और विदाउट लाइनिंग भी और लाइनिंग वाले भी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप A4 साइज़ के कोई से भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ड्राइंग शीट A4 साइज़ की यूज़ कर ली है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब स्पेल समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, आप एज इट इज़ नोटिस कर लेना बस। गाइज ये जो है जो पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं तो आप इसे आगे पीछे कर देना बस, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना। और गाइज हर पेज के एंड में आपको सिग्नेचर जरूर करना है, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना। जैसा कि गाइज हमने हर पेज के एंड में सिग्नेचर कर रखे हैं तो इसी टाइप से आपको भी हर पेज के बॉटम में सिग्नेचर कर लेने हैं और अपने करने हैं गाइज, कभी आप किसी और के करवा दो तो आप इतने समझदार हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने वाकई में समझदार हो, तो आप इतना सब रूल्स पढ़ चुके होगे ऑलरेडी, और अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारे रूल्स फॉलो करें, तो आप एज इट इज़ ये सब कुछ लिख सकते हो, बस पॉइंट आपको आगे पीछे कर लेने हैं और कुछ नहीं करना गाइज आपको। और गाइज मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लेकर कि गाइज आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, क्योंकि गाइज ये जो वीडियो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और कोई COVID-19 की वजह से कहीं फंसे हुए हैं विलेज वगैरह में, तो गाइज उन तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो का जो लाभ है वो सबको मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो और सब आसानी से अपना असाइनमेंट बना ले और सब इजीली पास हो जाएं। तो गाइज आप जानते हो कि प्रमोट हो गए हैं, पर प्रमोट जो हुए हैं वो अभी 50% हुआ, 50% जो मार्क्स हैं वो आपको असाइनमेंट के बेस पे ही मिलेंगे, तो गाइज आप समझ सकते हो कि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइज देखिए हम अपने 6th पेज पे आने वाले हैं, तो 6th पेज की हमारी स्टार्टिंग होने वाली है और इसी टाइप से देखिए हमने सभी पेज के जो लास्ट में है बॉटम में सिग्नेचर कर रखे हैं अपने, तो आप भी ऐसे सिग्नेचर कर लीजिएगा। देखिए हम अपने 6th पेज पे आ चुके हैं, तो 6th पेज पे आपको ऐसे भी यही सारी डिटेल्स हर एक पेज पे फॉलो करनी है और ये सारे रूल्स आपको हर एक पेज पर फॉलो करने हैं और ऐसे टीज लिख लेना है, बस पॉइंट आगे पीछे करना है और कुछ नहीं करना गाइज। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज आप एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, आपका असाइनमेंट प्रोवाइड कराने में फ्री में, तो गाइज एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि गाइज मेरे को आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलता है और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोस जल्दी जल्दी लाता रहूँगा और आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपके असाइनमेंट भी नहीं बल्कि हर एक काम में स्टडी से रिलेटेड हेल्प करता रहूँगा। तो गाइज प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। और गाइज एक बात और समझा दूँ मैं यहाँ पर आपको कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ज़्यादा लिख रखा हमने या कम लिख रखा, नहीं गाइज वे बहुत ही कम नहीं कह सकते हैं हम इसे और बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि गाइज हमने पूरे रूल फॉलो करे हैं और हमने सब कुछ सारी गाइडलाइंस पढ़ी हैं और उसी के बेस पे हमने सारा असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करा है। और गाइज हमने ये असाइनमेंट कहीं से नहीं टीपा, ये आप खुद पढ़ के देख सकते हो, ये हमारी खुद की लैंग्वेज है और खुद हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, कभी आप सोचो कि हमने किसी बुक से टीपा है या आपको ऐसी प्रोवाइड करा दिया, नहीं गाइज। तो देखिए हम अपने 7th पेज पे आ चुके हैं और जल्दी हमारा असाइनमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि गाइस हमारा जो असाइनमेंट है ये कम से कम हमारा 11 पेज में फिनिश हो जाएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो देखते हैं हम चलते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा और जल्दी स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए ताकि आप जल्दी जल्दी पहुँच जाओ वहाँ पे 11th पेज पे और आपका असाइनमेंट जल्दी फिनिश हो जाए और आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो देखिए गाइस ये जो हमारा 7th पेज था यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ होगा जहाँ तक मेरा मानना है, तभी हमने इतना स्पेस छोड़ दिया। तो बढ़ते हैं हम फटाफट आगे की ओर। तो देखिए गाइज हाँ यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ था, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 8th पेज से। तो देखिए गाइज हमारा 8th पेज से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसी उतार लेना और कुछ नहीं करना गाइज। आपको हमने वो स्पेस इसलिए छोड़ा था क्योंकि गाइज जब आपका
फर्स्ट पेज का मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आधे पेज पे फिनिश हो जाएगा, तो आपको वहीं छोड़ देना और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कंटिन्यू करोगे वो आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। ये बात आप जानते हो, मतलब अगले वाले पेज से आपको कंटिन्यू करना है, इसलिए हमने अगले पेज से ही कंटिन्यू करा है जो अपना क्वेश्चन है। तो ये जो गाइज रूल है ये सोल की तरफ से जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई गई थी ये उसका एक रूल है, तो आप समझिए कि हमने आपको जो प्रोवाइड कराया वो ऐसे ही प्रोवाइड नहीं कराया और आपने जो स्पेस छोड़ा था वो ऐसे ही स्पेस नहीं छोड़ा, क्योंकि ये रूल था, इस वजह से हमने स्पेस। देखिए गाइज हम अपने नाइन्थ पेज पे आ चुके हैं और नाइन्थ पेज की हमारी शुरुआत हो चुकी है, एज इट इज़ आपको ऐसे ही उतार लेना है पॉज कर करके। तो नाइन्थ पेज से हम डायरेक्ट चलते हैं जल्दी जल्दी अपने इलेवेंथ पेज की ओर, यानी कि लास्ट पेज की ओर। हम इस असाइनमेंट को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं बिकॉज गाइज जो वीडियो है बहुत लंबी बनती जा रही है, तो आप समझ सकते हो मेरे को वीडियो लंबी बनाने का कोई शौक नहीं है, बिकॉज आप खुद लंबी वीडियोस को वॉच नहीं करते, आप शॉर्ट वीडियो ही वॉच करते हो, इतना तो मैं भी जानता हूँ गाइज, बिकॉज आई एम एक यूट्यूबर, तो आप समझते हो कि मैं सब कुछ जानता ही होऊंगा कि आप किस तरीके से वॉच करते होगे, क्योंकि गाइज मेरे पास सारी डिटेल्स आती हैं, इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता कि बड़ी वीडियो बने, बट मेरे को बनानी पड़ रही है बिकॉज क्योंकि मैं बहुत स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं स्लो स्क्रॉल क्यों कर रहा हूँ, आपके लिए ही स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि गाइज आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखिए गाइज हमारा इस पेज का भी एंड हो गया और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज की हमारी शुरुआत हो चुकी है, नेक्स्ट पेज नंबर है हमारा 10th, तो 10th पेज की भी हमारी शुरुआत हो चुकी है। आपको इसे भी ऐसे ही पॉज कर करके लिख लेना है, बस आपको पॉइंट्स आगे पीछे करके लिख लेने हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स लिखे हैं गाइज, तो आपको इसे आगे पीछे करके लिख लेना है और कुछ नहीं लिखना, और बाकी सेंटेंस अगर आप समझदार हो तो सेंटेंस भी आगे पीछे कर सकते हो, बाकी आप खुद जानते हो कि सेंटेंस आगे पीछे कैसे करे जाते हैं, आप पढ़ के या तो फिर इसे खुद सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता गाइज कि आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये बात मैं बिल्कुल जानता हूँ बिकॉज आप खुद जानते हो कि सोल से कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स की कॉपी चेक नहीं की जाएगी इतनी डीपली, तो आप खुद समझते हो कि टीचर इतनी डीपली चेक नहीं करेंगे, और तो और गाइज उन्हें PDF वैसी प्रोवाइड कराई जाएगी टीचर्स को, तो PDF को चेक करने में और हार्ड कॉपी को चेक करने में बहुत डिफरेंस होता है गाइज, तो टीचर भी इतना डीपली चेक नहीं करेंगे, ये बात आप खुद समझ सकते हो कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि टीचर इतने डीपली चेक नहीं करेंगे, और आप एज इट इज भी उतार सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए गाइज हम अपने 11th पेज पे आ चुके हैं और 11th पेज पे जहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है ये फिनिश हो जाएगा, और देखिए गाइज ये फिनिश हो भी चुका है, हमारा जो असाइनमेंट है आज का ये यहीं फिनिश हो चुका है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।